नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में 1132 करोड़ की लागत की 144 विकास योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। इस दौरान कार्यक्रम में उनके साथ कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री समेत कई लोग मौजूद रहे। लखनऊ में विधानसभा के टंडन हॉल में शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भाजपा के 4 नए एमएलसी को शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। तो लखनऊ की तस्वीरें बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्या पहली बार मैनपुरी पहुंची। इस दौरान मैनपुरी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने यहां एक महिला सभा को भी संबोधित किया है, जिसमें सरकार की योजनाओं का बखूबी बखान किया गया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर उन्होंने निशाना भी साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कमल शक्ति संवाद, हमारे पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम थे। लगातार प्रत्येक जनपद में कमल शक्ति संवाद हमारे मंडल तक हो चुके हैं। पुनः हम लोग एक पत्रक है जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाओं का जहां तक लाभ मिला है, उपलब्धियों को लेके हम लोग महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही जिस तरीके से, पहले हम लोग भाषण में सभी लोग बोला करते थे कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, लेकिन हकीकत देखा जाए तो महिलाओं का हर जगह अपमान, दुर्व्यवहार, उनका साथ व्यवहार किया जाता था। महोबा में किसानों को खाद न मिलने से किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। बता दें कि किसानों को खाद न मिलने से नाराज किसानों ने चरखी बाईपास मंडी के सामने ट्रैक्टर लगाकर शहर की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने किसानों को आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया है। महोबा की ये तस्वीरें, खाद न मिलने से किसान लगातार परेशान है और सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों ने बताया कि पिछले एक साल से किसान 3 काले कृषि कानून को निरस्त कराने और समर्थन मूल्य को कानून बनाए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। वहीं किसानों का कहना है कि बीते 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में आयोजित किसान पंचायत से वापस आ रहे किसानों को वहां के स्थानीय सांसद और सरकार के गृह राज्य मंत्री के निर्देशन पर योजना अनुसार गाड़ी से कुचल कर मार दिया गया, जिससे पूरे देश का किसान और मजदूर आक्रोश में है और अब वो गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सहारनपुर की तस्वीरें, भारतीय किसान यूनियन का ये प्रदर्शन जारी रहा। डीएम कार्यालय पर पहुंचकर किसानों ने प्रदर्शन किया है, किसान नेता भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार बीते एक साल से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से बीते दिनों लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, उसका भी जिक्र लगातार किसान नेता और किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनका साफ तौर पर कहना है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उसकी मांग लगातार बढ़ रही है। सियासत भी इस पूरे मामले में बखूबी देखी गई। देखो, सरकार ये सोच रही कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उसके वोटर ही नहीं है, या दिमाग में सरकार के बैठ गई। जबकि किसान ने बहुतायत में पिछले चुनाव में
दूसरे लोगों से त्रस्त होकर इस सरकार को लाए थे कि भाई ये ईमानदार लोग हैं और इस देश में किसान के भले के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन किसान और देहात में रहने वालों को तो निराशा हाथ लगी ही लगी। व्यापारी भी आज परेशान है और इस सरकार ने बजाय किसान या देश के मुद्दे के इनका भला करने के इसने धर्म का रास्ता अपना लिया। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब पर काफी असर डाला है। वहीं अब रसोई गैस और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला मुख्यालय पर किसान गरीब मजदूर एकता के बैनर तले लोगों ने चूल्हे पर रोटी बनाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया है। मथुरा की तस्वीरें, चूल्हे पर रोटी बनाकर खास प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल बेहताशा बढ़ गया, सरसों का तेल 200 रुपए, रिफाइंड 200 रुपए, टमाटर का भाव 60 से 80 रुपए किलो। कोई ऐसी चीज नहीं आज जो महंगाई जिसकी नहीं हो रही। सिलेंडर 1000 रुपए हो गया। आप देख रहे हैं कि आज ये महिलाएं हमारी, गैस तो है, चूल्हा तो है, लेकिन गैस नहीं है उसके अंदर, इसलिए रोटी बना रही है। मैंने मोटरसाइकिल को टांग दिया, कहते हैं ना अगर पेट्रोल नहीं होगा तो आपकी मोटरसाइकिल टंगनी पड़ेगी, आपको पैदल चलना पड़ेगा, आपको साइकिल से चलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 1973 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी, साथ में पैसे बढ़ाए गए थे। जिलाधिकारी पुलकित खरे के बर्ताव से खफा किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि बीते दिन पूरनपुर मंडी में किसानों ने आरएफसी प्रथम पर सेंटर इंचार्ज को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। बता दें कि किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने जिलाधिकारी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जो यहाँ पे जो खर्चा लिया जा रहा है, सुविधा शुल्क लिया जा रहा है किसानों से, उसके संबंध में एक शिकायत दर्ज करवानी थी। हम डीएम साहब से मिलने आए थे कि यहाँ पे किसानों का शोषण हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है। किसान पहले ही मर चुके हैं, वो बुरी तरीके से पिस चुके हैं, उसको उनका शोषण बंद किया जाए। और उसके संबंध में जब यहाँ पहुँचे, डीएम साहब से बात करना चाहा, उन्होंने हमारा मोबाइल छीन लिया और बड़ी बदतमीजी से पेश आए और धक्का मुक्की तक उतर आए कि एक किसान के मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। जो बॉर्डरों पर 11 महीने से किसान बैठे हैं, उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारी समस्याएं एसडीएम साहब हल करेंगे। यहां जब किसी की समस्या डीएम सुनने के लिए तैयार नहीं, डीएम किसानों के साथ धक्का मुक्की कर रहा है। हमीरपुर में ऑनलाइन व्यापार के विरोध में सपा व्यापार सभा ने प्रदर्शन किया। वहीं सपा सभा ने लोगों से खुदरा दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की। बता दें कि सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव नंदकिशोर शिवहरे के नेतृत्व में यह ऑनलाइन खरीदारी का विरोध किया गया और यह प्रदर्शन बस स्टैंड से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरकर नेहा चौराहे पर समाप्त हुआ। सहारनपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है। वहीं जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल की ओपीडी से लेकर जनरल वार्ड और डेंगू वार्ड सभी जगह बुखार के मरीज ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिले में डेंगू से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। फीवर के केसेस तो आ ही रहे हैं, जैसे कि ये मौसम चल रहा है इस समय वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का, तो इसमें फीवर के काफ़ी केसेस आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अभी रिसेंटली पता लगा कि ओपीडी में कुछ भीड़ कम हुई है जिला अस्पताल की और मेडिकल कॉलेज की, और सभी फीवर के केस डेंगू नहीं है। ये डेंगू केसेस भी हैं सहारनपुर के अंदर, कल तक हमारे 210 अभी तक जो पॉजिटिव केसेस हैं वो हैं। और ये पॉजिटिव केस हमारे ये सेंट्रल लैब है हमारी, यहाँ वहाँ एलाइजा टेस्टिंग्स में जो पॉजिटिव होते हैं उनको ही हम डिक्लेयर करते हैं। तो कल तक हमारे 210 डेंगू के केसेस हैं, रोज 10-12 केसेस निकल रहे हैं फ्रेश। सर, डेथ की बात की जाए तो क्या कुछ डेथ का, जैसे अभी भी मुझे किसी ने बताया कि कल ननौता में लाडोर एक गांव है, वहाँ कोई लड़का 13 साल का आर्यन था, उसकी डेथ हो गई। मैंने अभी कंफर्म कराया, उसकी प्लेटलेट 2 लाख से ऊपर थी। पीलीभीत में आगामी त्योहारों को लेकर पीलीभीत के एसपी दिनेश कुमार पी ने शहर की मेन मार्केट में पेट्रोलिंग की। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछा है। इसके अलावा एसपी
दिनेश कुमार के साथ शहर के मेन चौराहों पर चारपहिया वाहनों का सघन तलाशी भी ली गई है। डीजीपी महोदय के निर्देश और शासन के निर्देश अनुसार त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पब्लिक की सुरक्षा एवं व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर अपने फोर्स को साथ लेकर जगह जगह हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ साथ दुकानदारों से, पब्लिक के लोगों से हम लोग राय ले रहे हैं कि कहीं जो सुधार करने की आवश्यकता तो वो भी सुधार करेंगे। दिवाली एवं आने वाले आगे पीछे के सारे त्यौहार हैं, उसके मद्देनजर ये पैदल गश्त। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में अठवटमऊ गांव का एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अन्य सरकारी स्कूलों के लिए एक मिसाल है। बता दें कि इस स्कूल में हर वो सुविधा है जो कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। वहीं यहाँ टीचर्स के कोशिशों को देखते हुए कुछ समाजसेवी लोग इस विद्यालय को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इन लोगों ने इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर भी लगवाए हैं। जो हमारे यहाँ टीवी जिन्होंने दिया उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस गांव के लिए जो है इतना बच्चों के लिए सोचा। और डिजिटल इंडिया की तरफ जो कि हम लोग बढ़ी रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है सपना भी है कि हम लोग डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराएं बच्चों को। और आजकल ई पाठशाला कोरोना पीरियड में ये डिजिटल की तरफ हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। ई पाठशाला कंटेंट जो आता था हम लोग बच्चों के व्हाट्सएप पर जो भेजते थे तो अब कंटेंट्स जो हमारे पास आते हैं तो यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं तो हम लोग उसके माध्यम से टीवी का हमारे पास प्रोजेक्टर हमारे पास था, एक क्लास स्मार्ट क्लास थी तो आगे दूसरी क्लास स्मार्ट क्लास बन रही है तो यूट्यूब के माध्यम से हम बच्चों को जो है विज्ञान की एक अच्छी अच्छी चीज़ें जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं। देखिए ऐसा है, इस गांव से या स्कूल से हम लोग का आज का नाता नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हैं और जब ये इच्छा हुई थी उस समय हालत बहुत ख़राब थी स्कूल तो हम लोग भी रिटायर हुए, एक इच्छा मन में आई कि हम लोग कुछ करें स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए अपने, तो उसी के चलते हम लोगों ने शुरुआत करी थी और कोशिश कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत साल दर साल वही हम लोग करते हैं। सर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब हम यूट्यूब सीधा अपनी लाइव टीवी पर देख सकते हैं, उससे काफ़ी हमारी मदद होगी। जो भी है हमारे सर अब टीवी पर ही पढ़ाएंगे और पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ भी हो चुकी हैं। उच्च शिक्षा चयन आयोग की ओर से किशोरी रमन डिग्री कॉलेज में नए प्राचार्य के तौर पर प्रवीण कुमार अग्रवाल को तैनाती दे दी गई है। अपने चार्ज ग्रहण करने आए प्रवीण कुमार अग्रवाल का सभी कॉलेज के प्रोफेसर की ओर से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर टीपी सिंह, डॉक्टर यदुराज यादव और अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे। बता दें कि इससे कॉलेज के प्राचार्य के पद पर डॉक्टर अजय त्यागी तैनात थे लेकिन अब उच्च शिक्षा चयन आयोग के निर्देशों के बाद प्रवीण कुमार अग्रवाल को प्राचार्य पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कॉलेज हमारे मथुरा शहर का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और पिछले लंबे समय से ज्वाइन करने के बाद जब मैंने आज इसको देखा है तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पर इसमें काफ़ी स्कोप नज़र आता है। बहुत काम ऐसा है जो यहाँ होने की आवश्यकता है और इस महाविद्यालय को शहर का ही नहीं बल्कि पूरे आगरा विश्वविद्यालय का नंबर एक कॉलेज बनाना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पठन पाठन के स्तर से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर से भी और महाविद्यालय से ही हमारी एक्चुअली पहचान है। देखिए काफ़ी अरसे के बाद लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, महाविद्यालय ने एक जो गरिमा कायम की थी शैक्षणिक स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में, एक इसका विशेष स्थान था, वह स्थान कहीं डगमगा जा रहा था क्योंकि एक स्थायी तौर से प्राचार्य यहाँ नहीं थे, उसकी जो फंक्शनिंग थी वो भी प्रभावित होती थी जिससे कि छात्रों का जो शैक्षणिक स्तर था वो भी काफ़ी जो है परिवर्तन हो रहा था। बिल्डिंग थी काफ़ी लंबे समय से, बिल्डिंग पर कुछ काम नहीं हो रहा। ये हमारे महाविद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 20 वर्षों के बाद आयोग के किसी स्थायी प्राचार्य ने यहाँ कारोबार ग्रहण किया और कॉलेज विकास की राह देख रहा है। यहाँ चतुर श्रेणी से लेकर प्रोफेसर तक सब चाहते हैं कि कॉलेज विकास करे और नए प्रिंसिपल आए हैं जो स्थायी प्राचार्य हैं तो हमें उम्मीद है पूरी तरीके से कि नए प्राचार्य के साथ मिलकर सारे प्रोफेसर काम करेंगे और महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय का श्रेष्ठ महाविद्यालय बनेगा। कुख्यात बदमाशों के खिलाफ नोएडा पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बदमाशों के सक्रिय सदस्यों की पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के बिस्तर थाना पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया जो कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था।
ग्रेटर नोएडा में घरों के बर्तन, ज्वेलरी, चमकाने और यूनानी पद्धति का इलाज करने के नाम पर घरों में घुसकर लोगों से लूटपाट और धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की 4.5 लाख रुपए नगदी समेत ज्वेलरी भी बरामद की है। साथ ही इन आरोपियों के साथियों की भी तलाश कर रही है। थाना बीटा टू अंतर्गत दो अभियुक्त जो ठगी का काम करते हैं, एक का नाम आरिश है और एक का नाम चाँद, जो बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं, गाजियाबाद में मसूरी में झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। ये लोगों से ठगी करते हैं, इनके कई प्रकार के ठगी करने के काम हैं, जैसे ये बर्तन साफ कराने और ज्वेलरी साफ कराने के बहाने घर में प्रवेश करके और सामान ले करके जब वो सामान लेने जाते हैं उनका गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार एक घटना एक रिटायर्ड वायुसेना के अधिकारी के साथ 5 लाख की ठगी, उन्होंने उनकी पत्नी के इलाज के नाम पर 5 लाख रुपए ठग लिए थे। मथुरा के थाना बांध क्षेत्र के जसौली गांव में एक मकान अचानक गिर गया। इस हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। साथ में मामले में उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। वहीं उच्च अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना है। ये होती कल के सर हमारे गांव में मेला था, सारे लोग मेले में जा चुके थे। मैं यहाँ घर पे आया था बच्चों को देखने के लिए, शायद घर पर कोई नहीं है, तो अचानक देखा कि ये सारी दीवार जो है एक साथ डैमेज हो गई। तो अमर सिंह सुनौप श्री रमेश चंद उनकी लड़की जिस घर में रह रही थी तो वो दब गई नीचे, तो अचानक मालूम पड़ा, रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं घर से बाहर निकला तो देखा मैंने कि लड़की दोनों छत के नीचे दबी पड़ी हुई हैं। कानपुर में मिट्टी का टीला धंसने से 8 लोग मलबे में दब गए। बता दें कि घर के लीप पोती के लिए 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिट्टी खोद रहे थे। वहीं अचानक टीला धंसने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हो गए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मिट्टी का टीला धंसने से 8 लोग नीचे दब गए, जिनमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। गौना में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े राम जानकी मंदिर परिसर में घुसकर साधु संतों की हत्या की कोशिश की है। बता दें कि दर्जनों माफियाओं ने साधु संतों पर जानलेवा हमला किया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इन गुंडों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर मंदिर के महंत सीताराम दास ने योगी सरकार और गौना प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल की 700 बीघा जमीन और करोड़ रुपए की संपत्ति पर माफिया कब्जा करना चाहते हैं, जिसका वे विरोध करते हैं और इसीलिए उन पर यह हमला हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, बीते में 14 अक्टूबर 2021 बीते 10-11 दिनों से मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं और हमारे पुजारी सम्राट दास जी 11 दिवस से आमरण अनशन पर हैं। अभी पिछले 3 दिनों पहले हमारे पास डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी से वार्तालाप हुई थी, जिसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप धरना खत्म कर दीजिए, आप आमरण अनशन को तोड़ दीजिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा। मैं गोंडा डीएम से लाइन पे लेकर के बात कर रहा हूँ। बुलंदशहर में 12 साल की एक मासूम से एक अधेड़ ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं किशोरी की नाजुक हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। देखिए, थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में 15-10 की एक घटना है, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के गांव में और उसके घर उठने बैठने वाले एक 45 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। और उस व्यक्ति का उस बच्ची के घर आना जाना था, बच्ची के माता पिता खेत पे गए थे, 13 साल की बच्ची खेल रही थी, उसे अकेला देख करके उसके साथ गलत कार्य किया गया और उसका गला दबा दिया गया, जिससे वो बेहोशी की स्थिति में चली गई। परिवारी जनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।
लखनऊ में एक बार फिर बीच सड़क पर दो युवतों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वह इस वीडियो के आधार पर थाने में एक युवती ने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में दो युवतियों और एक युवक पर संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हमीरपुर में एक ओवरलोड ट्रक ने पैदल जा रहे व्यक्ति को रौंद दिया, वहीं इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरदोई में मामले विवाद के बाद युवक के साथ कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट की, वहीं मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक से बाइक पर बैठने को कहा था, वहीं युवक के मना करने पर दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले में शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं दीनदयाल हार्डवेयर पे काम करता हूँ, मैं वहाँ मेरी गाड़ी उधर खड़ी थी दूसरी तरफ से, उस पर तीन चार लड़के बैठे थे, उन्होंने मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ऐसा करो भैया स्टूल ले लो उस पर बैठ जाओ, वो उन्होंने बस तुरंत ही चिल्लाने लगे, उन्होंने किसी को फ़ोन किया, मैं जैसे ही पीछे से आया और उन्होंने तुरंत ही मारना चालू कर दिया पीछे से, और 10-12 लड़के थे, एक दो लड़के भी नहीं थे, 10-12 लड़के थे, एक का नाम वीरू है, बाकी 11 लड़के हैं वो नाम उनका नाम नहीं पता है। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सो एंड इंडस्ट्री टायर ऑयल प्लांट का बॉयलर फटने से अचानक आग लग गई, वहीं इस आगजनी में लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बॉयलर में क्षमता से ज्यादा माल भरने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सहारनपुर के गांव मानकी के ग्रामीण ग्राम प्रधान के नेतृत्व में देवबंद पुलिस क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय से मिले। ग्रामीणों ने गांव के ही एक परिवार पर गांव के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया, साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव का एक परिवार जो ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा जमाए हुए है, वो भोले भाले ग्रामीणों को गैंगरेप के केस में फंसाकर अवैध वसूली कर रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पीलीभीत में एक 16 साल के नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। बता दें कि आरोपी नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता था। वहीं मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को होती ही संगठन ने युवती को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। वहीं इस दौरान आरोपी भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।